दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल गई है, बिहार दरोगा भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, वो भी मोबाइल फ़ोन से। हम जो है मोबाइल में ओपन कर लेंगे ये वाला वेबसाइट, आपको गूगल क्रोम ओपन करना या गूगल में लिखेंगे bpssc.bih.nic.in, इतना लिखेंगे ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। और 4 तारीख के डेट में देखिए यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ओके करना है। ओके करते ही इस प्रकार से ये ऑनलाइन का पेज है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख लेंगे, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैंने भी ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सब चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है। वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन है, दूसरा स्टेप आपको फिल करना है और लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, आपका मोबाइल इस तरह से होता है सबको पता है, तो इसको जो है ना घुमा के रोटेट करके इस तरह से कर लेंगे। कैसे, इस तरह से। इससे क्या होगा कि सभी चीज़ें जो है अच्छे से दिखेगी और आप इजीली जो है सब चीज़ को जो है एक्सेस कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा या कोई भी जानकारी लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको रोटेट करके इस तरह से आप जो है कर लेंगे मोबाइल को, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और बहुत ही स्मूथली मैं आपको सारा जानकारी बताऊंगा। आप इजिली घर बैठे खुद से फॉर्म भर सकते हैं, कहीं आपको साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दिखा रहा है, आपका कितना रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा एक फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ आपको डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस टू रजिस्टर एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो है इस तरह से खुल जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो आपका जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, मिडिल, लास्ट इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम जो है दिलीप है, दिलीप कुमार है सपोज, तो दिलीप यहाँ भरिए, कुमार लास्ट नेम में भर दीजिए। अगर आपका सिर्फ दिलीप ही नाम है, कुमार सिंह वगैरह सब कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप दिलीप यहाँ भर दीजिए फर्स्ट नेम में, बस हो गया, डेट्स ऑल। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपका जो है 3 लेटर में है या 2 लेटर में, किस लेटर में है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ड में आप देख लेंगे, बता देंगे। नेशनलिटी यहाँ आएगा, नेशनलिटी आप चूज करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है टाइप कर देंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस को टाइप कर देना है। यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस टिक करिए और यहाँ पे अपना कैटेगरी जो है क्या करना है, चूज करना है। कैटेगरी में आप जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST किस कैटेगरी से आप आते हैं उसको चूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अभी आपको नहीं देना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यू हैव सेलेक्टेड BC कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो जो भी आप कैटेगरी चूज करेंगे सही से सावधानी से चूज करेंगे कि आप उस कैटेगरी से आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ आपको जेंडर बताना है, अब जेंडर में आप मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा बिहार के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, और अपना जो है कब ज्वाइनिंग किया था, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ बता देंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। ये पूछ रहा है कि आप जो है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो अपना PPO नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट की जानकारी देना होगा, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। सपोज आप नो करते हैं तो आपका कैटेगरी जो है ना जनरल हो जाएगा, आपको चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, भले आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC, अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे लेकिन वो जनरल में ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वो नो करते ही। चलिए बाकी सब यस वैसे ही भरना जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी अब यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपकी जानकारी शो होता है, आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने ये जानकारी दिया सब चीज़ सही है। अगर सब चीज़ सही है तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको देखिए एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर जो है टिक कर देंगे। टिक करने के बाद से इस कैप्चा कोड को यहाँ बॉक्स में भर देंगे और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो होता है। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जो जानकारी आपने दिया है उसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो आप यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे जो है कार्ड की जानकारी भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी कार्ड की जानकारी भर के। अगर कार्ड से नहीं करना चाहते, नेट बैंकिंग करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। UPI का भी ऑप्शन है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या व्हाट्सअप, जो भी है भीम UPI, आप उससे भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। वॉलेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जो है पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है पेमेंट को जमा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है सक्सेसफुली पेमेंट जमा कर लिया है, UPI के थ्रू मैंने पेमेंट जमा किया, QR कोड को शो करके इजिली जो है यहाँ पे पेमेंट जमा हो गया और यहाँ पे पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड दिखा दिया।
और यहाँ पे बोल रहा है कि आप पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और उसका जो है पीडीएफ आप अपने पास रख लीजिएगा। अब यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे ओके करना होगा। ओके करते ही आगे प्रोसेस होगा और यहाँ पे आपको नीचे आना है। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अगेन खुलेगा, यहाँ टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन क्लिक करना होगा। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जानकारी यहाँ पे शो होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आपको पोस्ट चूज करना है कि आप जो है कौन से पोस्ट फॉर्म भरते हैं। तो सब इंस्पेक्टर SI की वैकेंसी यहाँ पे शो होगी और यहाँ पे अपना जो है फादर्स नेम मदर्स नेम, यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको जो है बताना है। इसके बाद यहाँ पे एक आईडी कार्ड चूज करना है, कोई भी आईडी प्रूफ आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है। ये आप इसका जो है च्वाइस कर लेंगे और जो भी आईडी प्रूफ आप चूज करेंगे उसकी संख्या यहाँ पे आपको लिख देनी है, जो भी संख्या है उस आईडी प्रूफ का। फिर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बॉडी में क्या पहचान है, से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये आप बताएंगे। अगर आप जो है वार्ड है फ्रीडम फाइटर के तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करते ही यहाँ पे आपको जो है बताना होगा क्या रिलेशन है, सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा तो सर्टिफिकेट संख्या और अपना इशू डेट यहाँ बता देंगे। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी ये सब हैं तो आप इसमें बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पे अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें क्या देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मार्कशीट नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ देखिए पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर एंड डेट ये मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट की जानकारी देना है। आप सबको पता है कोई भी एग्जाम होता है उसका एक मार्कशीट इशू होता है, एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आपको सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। यहाँ पे आप बोर्ड का नाम बताएंगे या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, दसवीं में तो बोर्ड ही होगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से पढ़ाए हैं, CBSE बोर्ड, और उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखना है और कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट लिखना है यहाँ पे। तो जो भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी को भरना है आपको। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो आपके सर्टिफिकेट पे रहता है, ऊपर में कॉर्नर साइड पे भी मिल जाएगा या QR कोड के तरह मिल जाएगा। किसी किसी में मेंशन किया रहता है कि ये सर्टिफिकेट नंबर है, बिहार बोर्ड में नहीं मेंशन रहता है, वो कॉर्नर साइड वाला जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है वो आप इससे लिख सकते हैं, तो ये लिखना होता है। इसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपको जो है सर्टिफिकेट की जानकारी देना, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे आपका जो है कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है, कई सारे केस में क्या होता है कि सर्टिफिकेट नंबर बाद में आता है, सर्टिफिकेट बाद में आता है, मार्कशीट पहले मिल जाता है, तो मार्कशीट जब मिलता है ना उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, प्रोविजनल, तो प्रोविजनल की जानकारी आप यहां पे दे सकते हैं, वो भी एक तरह से सर्टिफिकेट ही होता है। अब बाद में आप जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आप जो है ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करते हैं। तो फिलहाल जानकारी आप इस तरह से भरेंगे। अगर आपने PG किया हुआ है तो PG की जानकारी भरिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस को भरना होता है, यहाँ पे फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर या हाउस नंबर, वार्ड संख्या, ये सब भरेंगे, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब भरना होगा। ये परमानेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है, इधर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है। अगर ये सेम है तो यहाँ टिक करेंगे, सेम इधर वाला कॉपी हो जाएगा, इधर अलग अलग है तो अलग अलग भी आप इसे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ जो है क्रिमिनल केसेस के बारे में डिक्लेरेशन कराएंगे, जैसे कि आपको इन सब एग्ज़ाम से डिबार्डेड किया गया है, ये उसमें बताना है, तो मोस्टली ये नो ही रहेगा आपको, अगेंस्ट कोई FIR है ये सब नो रहेगा, देख रहे ना, ये सब आपको नो कर देना है, इसके बाद ये सब नो रहेगा। एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, आप जब ये ग्रेजुएशन वाली जानकारी भरेंगे ना तो 1 अगस्त 2023 तक आप जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुके हैं, आपका सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, पासिंग हो चुके हैं, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर 1 अगस्त 2022 के बाद आपका सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं है, आपका फॉर्म आगे चल के छट जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा या एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, एग्जाम भी दे देंगे, जब डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वेरिफिकेशन करेंगे ना उसमें छाट देंगे आपको। तो आप देख लीजिएगा 1 अगस्त 2023 तक आप जो है क्वालिफाई कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो ही आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फोटोग्राफ यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस दिया हुआ कि इस केस में फोटोग्राफ, लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ेंगे पेज नंबर 12 या 13 पे, तो वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ आपको नोटिफिकेशन में दिया गया कि अपलोड करना है और 2 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ और JPG फॉर्मेट में 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है अंग्रेजी सिग्नेचर और यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, ये 50 KB से कम होना चाहिए। ये सब फाइल को चूज करेंगे, प्रोसीड करेंगे, प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स आपका यहाँ पे पेज प्रीव्यू खुलेगा, मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज़ सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ पे आप एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो इस कैप्चा कोड को आप भरेंगे
और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और यहाँ पर लिख रहा है कि आपका फॉर्म जो है प्रोविजनली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे आपको प्रिंट एक्नॉलेज का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से जो है प्रिंट आ जाएगा और आप इसे जो है सेव एज PDF कर लेंगे अपने मोबाइल में। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा, आप इसको जो है नीचे में जाके सेव कर सकते हैं या यहाँ साइड में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, या देखिए सेव एज PDF, आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपका जो ये आपके कंप्यूटर मोबाइल में जो है ये सेव हो जाएगा PDF के तौर पे और आप इसका जो है हार्ड कॉपी बाद में प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने डिस्कशन किया कि बिहार पुलिस SI का फॉर्म कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।